नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम नीमच के वार्ड नंबर 26 में पहुंची है और पेयजल संकट को लेकर वार्डों की क्या स्थिति है, रहवासी किस तरह से परेशान हो रहे हैं, आइए बात करते हैं। ये वार्ड है मनोहर मोटवानी जी जो लोकसभापति है वार्ड नंबर 26। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 26 जो कि लोकसभापति लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी का वार्ड है, यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, बात करते हैं। पानी की समस्या बहुत हैगी, या चार दिन में नल आते और वाल भी बहुत कम खोलते हैंगे, किसी को पानी आता है किसी को नहीं आता है, क्या बोलते हैंगे। अब हम कब तक के परेशानी देखेंगे ये बताओ आप, क्या बोलते हैंगे, बहुत ज़्यादा ही हो गई हमारे तो। हमारी एक विकलांग लड़की हैगी, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती हैगी, तो हम कहाँ से लाएं पानी, हम कहीं कुएं पे से लाएं कि पेट पे लाएं, गर्मी किस बला की पड़ रही है। टैंकर वगैरह आते हैं क्या? वो कहते हैं टैंकर का, मगर हम नट देते हैं कि यहाँ औरतें लड़ेंगी, इस वजह से हम नहीं मंगवाते टैंकर। तो जैसे तो वाल तेज खोलो तो पानी सबको मिलेगा, आधों को मिलता है आधों को पानी नहीं मिलता। गली में टैंकर आ भी नहीं पाता होगा, नहीं, नहीं आता है। वो सड़क पे खड़ा होता है, सड़क पे उसको कौन लाएगा पानी भर भर के, ये बताओ। रोज आते नहीं होंगे और हमारी बहू बेटी है बाहर नहीं जाती, पानी नहीं आता। आप क्या कह रहे बहन जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारे भी कम पानी आता है, थोड़ी देर ही आता है फिर बंद हो जाता है। आपने इसके लिए पार्षद से बात करी आप लोगों ने? हम उनके घर गए थे। हाँ गए थे, घर गए थे। हाँ आप बताइए। पानी बहुत परेशानी, क्या करें, हमारी वहाँ से बाहर से लेके आते हैं भर भर के। कहाँ से लाते हैं आप पानी? कुएं से लाते हैं, सड़क पे से लाते हैं जी। इस गर्मी में पीने का पानी नहीं मिल रहा होगा, नहाने धोने कपड़े के लिए पानी किस तरह भर रहते हैं कपड़ों के, क्या कहते हैं आप बताइए, आप बताइए समस्या है यहाँ पर तो किस तरह से है? तो चार दिन में नल देंगे तो पानी की तो ज्यादा समस्या आएगी सर ही ना, एक दिन छोड़ के एक दिन दो ना, ऐसे दो कि भाई एक घंटा दे दो, ज्यादा नहीं दे सकते तो आराम से पानी भर ले, एक जगह आ रहा है दूसरी जगह पानी नहीं आ रहा है, पैसे कैसे कब चलेगा? कितनी देर पानी आता है? बस आधा घंटे, आधा घंटे। गति कैसी रहती, स्पीड कैसी रहती? नहीं रहती है, बिल्कुल कम रहती है, ऐसे खींचना पड़ता है। क्या रहती है? ऐसे तो आता ही नहीं है पानी, ऐसे नहीं आता। आप बताइए बहन जी, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? पानी की परेशानी है, बहुत परेशानी है जी, पानी आता नहीं है सर साहब। हाँ पानी की बहुत परेशानी, वो कहते हैं भैया बोले टैंकर मांगते क्या, अभी पर टैंकर पर यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत हो जाए, फिर पानी की बहुत परेशानी, पानी की बहुत बहुत ही ज्यादा परेशानी है। और हमारा बुढ़ापे के अंदर पानी भरा भी नहीं जाता है हमसे, क्या ये पास में कुआ है जो कुएं से लाते हैं, खींचा भी नहीं जाता है, क्या कहते हैं सामने वाले की मेहरबानी है जो थोड़ा बहुत दे रही है पानी, क्या कहते हैं हम लोगों को। तो कुआ किसी का दूसरे का है? नहीं सरकारी है, मगर अंदर ले लिया उसको, क्या कहते हैं, अच्छा अंदर ले लिया उसको। हाँ एक मिनट आप बताइए दीदी, किस तरह पानी की परेशानी है और काय की भी नहीं है। हाँ हमें तो मोल फिर हमसे हो गए भी नहीं काम, अब बच्चे हमें भी नहीं लेने, अब बच्चे धंधा करें कि यहाँ पानी करें। हाँ सही बात है भाई, धंधा करने वाले बच्चे हैं तो वो तो धंधे करने जाएंगे, जो पानी की परेशानी ना ले, कभी तो 4 बजे से चला देंगे अंधेरे, और कभी है ना तो 12 बजे चलाएंगे, ऐसे चलाते हैं, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम नहीं है सही सर। अब सोच रहे हैं आते हैं नल तो बस वही चार दिन बोलते हैं। हाँ बस और कोई चीज की परेशानी? आप हमारे को भी दिक्कत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम ले लेके बाहर से पानी भरते हैं धूप के अंदर जी, पानी का कोई टाइम भी बताया नहीं जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, दोपहरी में ना धूप आती है तपती धूप के अंदर, बच्चे बड़े लेके गोदी में पानी भरता है, कोई भी नहीं। हमारी सासू माँ भी बीमार हैगी तो उनके कारण हम बाहर जा जाके पानी ले लेके आते बच्चों को गोदी में, वो समस्या वो है हमारा हल नहीं हो रही है समस्या। हाँ बहू बेटी बाजारों में भी नहीं जा पाते, जाते हम पर्दा करते हम लोग, आपको जाना पड़ता पानी के पीछे। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? आप पैर से लाचार हो सर, अभी मैं तो पैर पानी ला ही नहीं पाती हूँ। पैर से लाचार है, पानी कैसे लाओ? कैसे लाओ पानी जी, यही समस्या है पानी की। तक नल आते हैं, पूरा वाल नहीं खुलते हैं, आधा अधूरा वाल खोलते हैं, जैसे 45 मिनट आना चाहिए पानी उतना नहीं आता है, और जो जितने भी मूल्य वाले हैं सबकी बड़ी बड़ी मशीन रहती है, सब नल वो खींच लेते हैं, वो जिसकी छोटी मशीन रहती है वो क्या करेगा, सबका पानी भर जाता है, हमारा पानी रह जाता है, और मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाते हैं, किसी का भरता है किसी का नहीं भरता है, वाले जल्दी से बंद कर देते हैं, और मोहल्ले वाले भी लड़ने लग जाते हैं कि नल गया नल गया।
इंतजार करते हैं और 5 बजे नल आता है चले चले। क्या एक बार भी आखिर झाँकते हैं हमारे पार्षद जी मनोहर मोटवानी, एक बार भी वार्ड नंबर 26 में आया है बैल, एक बार भी। और यू भी नहीं बोला कि टैंकर मंगा रहा हूँ मैं बैल, टैंकर मंगा रहा हूँ यहाँ पे। अब वो टैंकर के पीछे तो लड़ाई होती है यहाँ पे, फिर वो टैंकर के पीछे लड़ाई होती है यहाँ पे। कितने कितने दिनों में टैंकर आता है? आता है, आता ही आता तो है, मगर मना कर देते हैं कि लड़ाई हो जाए इसके पीछे, इसमारे नहीं आता। प्रचंड गर्मी के बीच व्याप्त पेयजल संकट को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के वार्ड नंबर 26 के बंगला नंबर 32 पहुंचकर रहवासियों से चर्चा की। लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी के इस वार्ड में पानी की आपूर्ति अनियमित ढंग से हो रही है। पहले यहां 2 दिन में नगर पालिका द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी, अब 4 या 5 दिन में वार्ड वासियों को पानी मिल पाता है। जरूरत की तुलना में जितना पानी यहां मिल रहा है उसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान कहा जा सकता है। बहुत कम समय के लिए पानी नलों में आता है। वार्ड वासियों ने बताया कि हमारे द्वारा पेयजल की समस्या के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। नगरपालिका के जिम्मेदार लोग जरा भी गंभीर नहीं दिखाई देते। वोट मांगने के समय जरूर आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा पेयजल की समस्या को लेकर कोई खैर खबर नहीं लेता। इधर उधर से पानी का जुगाड़ करके काम चलाना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद और सभापति मनोहर मोटवानी ने वॉइस ऑफ एमपी से अपनी चर्चा में ठीकरिया बांध का वही राग अलापा जिसे नगरपालिका के जिम्मेदार लोग बार बार दोहराते रहते हैं। देखिए पेयजल संकट पर हमारी खास पेशकश वार्डों की पोल खोल। सर, वार्ड नंबर 26 के बंगला नंबर 32 और विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल संकट को लेकर लोग काफी परेशान है, क्या कहें? देखिए ऐसा है, इस बार प्रकृति की ही मार पड़ी है और आप देखेंगे जाजू सागर डैम पूरा खाली पड़ा है। उसके बाद भी भाजपा की नगर सरकार ने ठीकरिया बांध पर पानी को सुरक्षित रखा है जनता के लिए, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नीमच की जनता और मेरे वार्ड की जनता को पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। थोड़ा समय का जो चेंज होता है मजबूरी के कारण होता है, गर्मी में लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और जनता की भी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है। फिर भी जिन लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं मैं तुरंत उनकी समस्या का निराकरण करता हूँ। करीब करीब 4 दिन में पानी आ रहा है और लोगों का ये भी कहना है कि समय भी तय नहीं है, कभी रात को आ जाता है, कभी दिन में आ जाता है, कभी। देखिए आप ये बात को समझिए कि अगर हमारे पास निश्चित समय पर पानी हो तो हम जानबूझकर तो अनियमित समय पे देके हमें तो खुशी नहीं होगी। अच्छा, 1.5 साल में ये समय, 1 महीना ऐसा है जहाँ थोड़ा समय का परिवर्तन हो रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारी मजबूरी है। बहुत पूरे नीमच की डिमांड एक साथ बढ़ती है और पानी हमारे पास है नहीं। जो पानी है उसके संसाधन का व्यवस्थित रूप से उपयोग करने में थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता है, बस इतनी सी बात है। 1 महीना है, मानसून आने वाला है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जनता को असुविधा न हो। नीमच में प्रचंड गर्मी में पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, लोग परेशान हैं। हमने वार्ड नंबर 26 के बंगला नंबर 32 में रहवासियों से बात की। लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी का ये वार्ड है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पानी कभी भी निर्धारित समय पर नहीं आता है, मन मर्जी से पानी सप्लाई किया जाता है, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी सुबह, कभी देर रात में, जब मर्जी पड़े तब नगर पालिका पानी का सप्लाई कर रही है। ऐसे में लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। अभी मनोहर मोटवानी ने ये कहा कि वो लोग जो है ठीकरिया बांध से पानी लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, बस यही एक राग नगर पालिका अलाप रही है। उनके पास कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ज़मीनी हकीकत से वाकिफ होना ज़रूरी है और इस बात के ठोस उपाय किए जाना जरूरी है कि पानी सही तरीके से सही प्रबंध के साथ दिया जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।